चैप्टर नंबर 10। बिल्कुल सर, सर हमने लास्ट टाइम जो आपने दो मुझे स्ट्रक्चर पढ़ाए थे सर, वो दो स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़े थे? एक मुझे एक मिनट दे दो सर, मैं आपको बताता हूँ। हाँ सर, देखें, टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पढ़ा था ना? हेलो, नहीं नहीं ये नहीं पढ़ा था, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था। देखो वो पढ़ा था हमने यो और उसका पढ़ा था हमने जायका और यो का पढ़ा था। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 शुरू हो रहा है। हम इससे पहले यो और जायका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी जरा आ जाओ, पहला टेक्स्ट क्या है देखो, पहला टेक्स्ट पढ़ो। न्यू वर्ड्स को क्या बोलते हैं? न्यू वर्ड्स को सर, न्यू वर्ड्स को बोलते हैं शंक्स। तो टेबल शाम, ठीक है शाम। रिमेम्बर शाम शिया, मैंने बताया था पहले शाम मतलब हम। हाँ शाम हमने पहले भी पढ़ा था। शाम और शिया बोथ आर द डायरेक्शन। शाम होता है ऑन द, शिया होता है डाउन द, डाउन द, ठीक है। शाम दियन्नाओ, दियन्नाओ इज कंप्यूटर। कंप्यूटर खा क्या होता है? खा इसको पढ़ते हैं खा पढ़ेंगे खा। एंड हम एंड के लिए यूज करते हैं। और बन क्या है? मेजर वर्ड फॉर बुक्स, ठीक है। बुक्स, अब आप क्या बोलोगे? वन बुक अगर आपने बोलनी है तो क्या बोलोगे? ई बन शू, वेरी गुड एक्सीलेंट। ई बन शू। ली क्या है? ली है इनसाइड, इनर, ठीक है, इनसाइड। अच्छा आउटसाइड क्या होगा? बाय, ठीक है। आउटसाइड क्या होगा? बाय। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे शाम, शिया, ली, वाय, ये सारी डायरेक्शन है, आउटसाइड, इनसाइड, अप, बिलो। सर शिया की स्पेलिंग क्या है? एस एक्स आई ए है ना? एक्स आई ए, शिया। हाँ एक्स आई ए का मतलब है डाउन, बिलो, बिलो डाउन, सही है सर। ये आउटसाइड है, आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड तो इसमें लिखा हुआ है। आउटसाइड का मतलब क्या है? आउटसाइड का मतलब है बाय, ठीक है, बाय, आउटसाइड, एक्सटीरियर या तो आउटसाइड, समथिंग लाइक दैट ना। समझ गया। अभी सर ये पढ़ूं? हेलो सर, आर यू देयर? हाँ हाँ। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें जो है ना, तुम्हें क्या करना है, पहले तुम वो स्ट्रक्चर पढ़ो दो लास्ट स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताए थे। सर थोड़ा सा मुझे हिंट दे दे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वैसे में दो मैंने कहाँ लिखे थे मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी सी हिंट दे दे सर, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक हमने पढ़ा था राय वाला, हाँ एक तो सर जाय था, ये रहा ना, अभी बता यो। हमने जो सर दो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी नार में हुई थी सर, नार में हुई थी सर, ये नार में हुई थी सर, दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग। एक नार का मतलब बैर था, दूसरे नार का मतलब वैर था। एग्जैक्टली सर, जो ये नार है जिसका मतलब बैर है, इसमें खो यूज हो रहा है सर, खाओ, नहीं नहीं उसको क्या बोलते थे, खो नहीं खाओ, खो देर वाला खो है, जो देर वाला नार है इसमें खो यूज हो रहा है, और जो दूसरा वाला है उसमें खो यूज नहीं हो रहा शायद, यही वेर वाले में, वेर वाले में खो यूज हो रहा है और देर वाले में खो यूज नहीं। वेर वाले में खो यूज हो रहा है, समझ गया।
जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे ना, जैसे कि ना पढ़ा था हमने, ना गोरन विच, ठीक है, दोनों ना है, एक ना है और एक ना है, ठीक है, एक दैट के लिए और एक विच के लिए, टून अलग होगी, करेक्टर अलग होगा, विच के लिए जो है उसमें खो है और दैट वाले में खो नहीं है। किसमें सर? विच, निशी ना गोरन, रिमेम्बर, निशी ना गोरन, निशी ना गोरन, which country you belongs to? She means which, na? Na, na means. Nishi na goran. Okay, Nishi na goran. Na means which. So, padho Jodi Shang. Jodi Shang Yoshin me. यो शर्मा, अब देखो, अब रुको, ये देखो, ये स्ट्रक्चर था, सम प्लेस प्लस यो प्लस समथिंग समथिंग, ठीक है, सम प्लेस में क्या आ जाएगा, जोजी हो गया, सम प्लेस जोजी, ठीक है, सम प्लेस जोजी शन, यानी ऑन द टेबल यो, ठीक है, अब शर्मा क्या है, क्योंकि शर्मा समथिंग होगा, यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, अब देखो जोजी शन यो आ गया वर्ब, ईगा देना, ईगा मतलब क्या है, ईगा वाला वन है, ईगा गा मेजर वर्ड है, तो ईगा देना गा मेजर वर्ड है, देना का मतलब कम, हाँ गा मेजर वर्ड है, हाँ का मतलब है एंड, और ई बंचु मतलब वन बुक, है ना, तो ये स्ट्रक्चर था जो मैंने तुम्हें लिखवाया था, एक यो वाला स्ट्रक्चर था और एक ये था समथिंग, और तूने पता नहीं कहाँ लिख दिया है, समथिंग प्लस जाए प्लस सम सम प्लेस आ जाएगा, समथिंग प्लस जाए प्लस सम प्लेस, ये दो स्ट्रक्चर लिखवाए थे, फर्स्ट ये था जाए वाला और दूसरा था यो वाला, जाए वाला स्ट्रक्चर हम चैप्टर 9 में पढ़ते हैं और यो वाला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10। अब ये देखो जोधी शांग योशन्मा, जोजी okay, हमारा समथिंग हो गया, सम जोजी का टेबल, टेबल तो सम प्लेस ही तो बोला सर, सम प्लेस अभी समथिंग बोल लेते, नहीं नहीं मैंने कब बोला सर, शांग हो गया हमारा, शांग क्या, शाम क्या कहेंगे, ऑन द, ऑन द, तो सर इसमें शांग का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, यो शिनमा, शिनमे का मतलब है व्हाट, जोधी शांग योशन्मा, व्हाट्स ऑन द टेबल, व्हाट्स ऑन द टेबल, सर वो तो समझ गया मैं, वो तो मैं समझ गया, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं आ रहा ना ये, सम प्लेस, सम प्लेस देखे ना, सम प्लेस जोजी शांग योश, अच्छा फिर स्ट्रक्चर तो हमारा सर आप आंसर के लिए है ना, स्ट्रक्चर हाँ। हम क्वेश्चन में कैसे बता सकते हैं, हाँ, तो आंसर में देखो, आंसर में सही हो जाए ना, जोजी शांग यो ईगा दियन्नाओ ख ई बंशु, तो इसमें से स्ट्रक्चर लग रहा है ना, सम प्लेस जोजी फिर यो आ गया, फिर ईगा दियन्नाओ वन वन कंप्यूटर एंड वन बुक, समथिंग आ गया उसमें, वन कंप्यूटर एंड वन बुक, क्वेश्चन तो नहीं देख रहे सर, कसम खुदा की नहीं देख रहे सर, अब मुझका भरोसा ही नहीं करता, अच्छा आवाज आओ, बेजी जाए ना, बेजी, बेजी का मतलब हमारा था सर कप, वेरी गुड, जाए ना, बेजी का वेयर, बेजी जाए नार, नार का मतलब था देर, इस मगर इसमें हमारा इस्तेमाल होगा सर, जाए आ रहा है तो सर इसमें हमारा वेर इस्तेमाल होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, क्यों होगा सर वेर इस्तेमाल, इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि सर ये वो है ना सर, नार एक नार है जिसमें हमारा वो टोन, इसमें ये वाली टोन लगी हुई है, म्यूजिक वाली टोन लगी हुई है, आप देखें पीछे सर जाके कि वैर जब भी और क्या सर, एक तो वैर की निशानी ये है कि म्यूजिक वाली टोन लगी हुई है, दूसरी बात सर इसमें दूसरा क्या हो सकता है, एक मिनट सर रुके मैं बताऊंगा आपको, बेजी जायना है सर, जाय आ गया ना,
हाँ सर देखे ना सर, सीधा सीधा हिसाब है, ये जूम कर दिया मैंने, अब बताओ सर खो आ रहा है ना, बस ये पूछना था मुझे सर खो आ रहा है ना, बताया मैंने आपको सर, तो फिर अब बताया ना तुमने, तुम कुछ बता रहे हो मेरी भाई, तुमने जाय लग रहा है, अबे भाई मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। हाँ सर वो खो आ रहा है इस वजह से, आया ना खो आ रहा है, नहीं जाए नार नार। सर हमने जाए का मतलब क्या पढ़ा था, इन ऑन एट, इन ऑन एट वेयर इज सर, तो फिर इसमें इज तो नहीं आया, इसकी ट्रांसलेशन तो ये नहीं समझ आया सर, भाई लिटरल ट्रांसलेशन यही होगी ना, बेजी जाए ना, वेयर इज द कप, हां इन ऑन इट, इन ऑन इट, इन ऑन बेजी इज इन ऑन इट, ओके सर, समथिंग स्ट्रक्चर क्या है, समथिंग समथिंग प्लस समथिंग प्लस जाए प्लस सम प्लेस, समझ गया समझ गया समझ गया समझ आ गया, पहले करा चुका हूं चैप्टर नंबर 9 है, तुम आप पता नहीं क्या कर रहे हो, हां ना ये समथिंग प्लस जाए प्लस सम प्लेस, तो ये आ गया ना सर बी में, बेजी समथिंग कप हो गया जाए योजली, तो योजली का मतलब जो 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 ज जो ज ली, अलग पढ़ ले तुम्हारा, पढ़ो ऐसे पढ़ो जो मैं बोलूं वैसे पढ़ो, जेड एच पढ़ो पहले, ज ज यू को क्या पढ़ते हैं, ऊ ऊ G U O O जो, देखिए G U O G U O जो T जोज़ जी जोज़ 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 बेज़ी ज़ाय जोज़ ली ली, ठीक है, कप इज इनसाइड द बेजी जाए जोज ली, मैं इसका मैं बताऊं, कप इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल सर, ली का मतलब इन इन इनसाइड इनर इनसाइड या इंटीरियर है ना, सर ये तो सर फिर तो ग्रामर ही गलत है, ये चाइनीज है मेरे दोस्त, इंग्लिश को साइड में रखो अपनी, तो सर इट इज ऑन द डेस्क होना चाहिए ना, इट इज इन द डेस्क, ऑन द डेस्क नहीं है ना, ऑन द डेस्क नहीं है, इनसाइड द डेस्क, इनसाइड द टेबल, हाउ कैन समथिंग बी से इनसाइड द टेबल, इट शुड बी ऑन द टेबल, नॉट नॉट ऑन द टेबल, इट शुड बी इनसाइड द टेबल, ठीक है, अच्छा चाइनीज में उल्टा है, उल्टा नहीं है, मतलब उस अल्फाज का मतलब समझो, जोजी ली जोजी शम हो चुका है, ऑन द टेबल हो चुका है, अब ये इनसाइड द टेबल है, ठीक है, हम लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़े तो ये अच्छा है, ठीक है, शम हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जोजी शम ऊपर लिखा हुआ है ऑन द टेबल, वो बात खत्म, अब जोजी ली इनसाइड द टेबल, अब इसमें करेक्ट और नॉट करेक्ट की बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा नई लैंग्वेज सीखूंगा तो सही ना, हाँ अब तुम्हें थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, यू आर ऑन द चैप्टर 10 भाई, तुम चैप्टर 10 पे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड भाई, शान हम पहले पढ़ चुके हैं, शिया हम पढ़ चुके हैं, ली अभी शिया भी आएगा, ठीक है शिया भी आएगा अभी, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बोल दू जोजी बेजी जाए नार बेजी जाए जोजी शिया, मतलब क्या होगा, इट इज इन इट इज अंडर द टेबल, हां ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये तो ग्रामर ही गलत हो गई, क्यों भाई, अरे भाई पहले इनके मतलब समझाया जा रहे हैं ना, शान शिया ली, ठीक है सही, तेरा गुस्सा हो रहा है, नहीं नहीं गुस्सा नहीं हो रहा, चलो आ जाओ, शियामियन शियामियन सॉरी चियानमियन पढ़ना, चियानमियन 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 होमियन होमियन, अब एक चीज याद रखना मैं अब बता रहा हूँ, तुम अगर भूले ना फिर खैर नहीं है, चियन जब भी आएगा ना, चियन चियन का मतलब होगा अर्ली बिफोर पहले, ठीक है, या इन फ्रंट, ये तीन मतलब होंगे,
अर्ली बिफोर या इन फ्रंट का मतलब क्या होगा आफ्टरवर्ड्स आफ्टर ठीक है आफ्टरवर्ड्स आफ्टर या बैक ये तीन मतलब है हो के अब देखो शंग श्या ली वाय शंग श्या ली वाय अब इनके आगे अगर मैं मियन मियन लगा दूं तो उसका मतलब क्या है एक ही मतलब है शंगमियन ऑन द श्यामियन डाउन द लीमियन इनसाइड द वायमियन आउटसाइड मतलब क्या है प्रिंसिपल क्लॉज क्या है आपकी शां श्या ली वाय इसी तरह छियन हो फ्रंट बैक अगर हम इसको शंगमियन भी पढ़ सकते हैं ऑन द ऑन द ओके शंगमियन लीमियन वायमियन श्यामियन मियन का मतलब इन द है ना मियन का मतलब द है ना द नहीं है अब तुम सुनो फिर सुनना है ठीक है मियन इज सफिक्स सफिक्स है ओके ठीक है सफिक्स ही इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होती वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा होता है चियन मियन को पढ़ो चियन मियन अब इसका मतलब तुम बताओ मियन हां इसका पूरा मतलब तुम बताओ पढ़ो पूरा सर जियान मियन नग रेन जियाओ शिन में मिंगजी इसका मतलब है देखें जियान मियन का मतलब तो फ्रंट नागा नागा का मतलब होगा सर आपका नागा रेन रेन का मतलब है पर्सन जियाओ शिन में मिंगजी सर मगर यहाँ पे एक मुझे वो आ रहा है सर मिस्टेक सर मिंगजी का मतलब हमने क्या पढ़ा था मिंगजी का मतलब नेम पढ़ा था ना हमने हेलो सर मिंगजी का इसका मतलब ये देखें शियान मियन का मतलब है फ्रंट नागा नागा सर ग हमारे कैलकुलेशन वर्ड है और ना का मतलब हमने क्या पढ़ा था एक मिनट सर रुके नागा रेन का मतलब पर्सन है जियाओ शन में मतलब इसमें वॉट आएगा या नहीं वॉट नहीं आएगा हु सर नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा समझाए पहले बोल रहे थे सुनो नी जियाओ शर्मा मिंग्ज मतलब क्या हाँ व्हाट इज योर नेम हाँ अब देखो इसमें क्या है चियानमियन नागर एंड जियाओ शर्मा मिंग्ज चेनमैन द पर्सन चेनमैन मतलब फ्रंट नागरन चेनमैन मतलब सामने जो बंदा है ना दैट गरन दैट वन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट्स हिज नेम व्हाट्स हिज हर नेम जो भी है उसका नाम क्या है जो सामने बंदा बैठा है ना सामने चार बंदे बैठे हैं वो बोल रहा है वो जो सामने वो लगा है दैट वन ओके पर्टिकुलरली वो पहले फ्रंट में बंदे का क्या नाम है हाँ चियानमियन नागा रेन जियाओ शिनमा मिंगजी चियानमियन नागा रेन जियाओ शिनमा मिंगजी चियानमियन नागा रेन जियाओ शिनमा मिंगजी सही है था जियाओ जाए ई यूएन जोंगजो सर इसका मतलब है था एक मिनट रुको सर क्या पढ़ लिया तुमने क्या पढ़ा ई यूएन के बाद ई यूएन गोंगजो तो तुम क्या पढ़ लेते अभी गोंगजो कुछ और पढ़ा था तुमने I'm sorry sir जोंगजो पर जोंग हाँ शायद ये पढ़ा था गोंगजो देखो असल में मसला क्या है तुम रिपीट नहीं कर रहे हो सर तीसरी थी बात ये है सर कर तो रहा हूँ सर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तुम गोंग देखो जी का साउंड हमने क्या पढ़ा था गा गोंगजो हाँ तो ये तो तुम इतनी माइनर मिस्टेक कर रहे हो चैप्टर वन की है ठीक है तो थोड़ा इसका मतलब मुझे समझ आ गया सर था जियाओ वांगफांग इसका हम पढ़ेंगे हर नेम इज वांगफांग शी वर्क्स इन द हॉस्पिटल ई यू एन का मतलब हॉस्पिटल है और गोंगजो गोंगजो
जो जो है कहीं भी काम करते हैं या कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई भी शॉपिंग हो, होमियन नगर ने थाजिया और शिनमिंग जी सर, इसका मतलब होगा और वो जो सबसे पीछे बंदा खड़ा, पीछे वाले बंदे का क्या नाम है, ये है तो इसका जवाब इसने दिया है थाजियाओ शेफेंग जाए शंगदियन गोंगजो। शंगदियन का हमने मतलब पढ़ा था सर, मॉल मॉल पढ़ा था ना, शंगदियन का मॉल पढ़ा था, शॉप था, मॉल था, शॉप था। हाँ थाजियाओ, हाँ सर ये शेफेंग ही है, हर है। मैं बताऊंगा आप नहीं बताएंगे सर, वो उसमें हमारा हाँ ये जो शेफेंग है ये था ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। पूछे क्यों, मुझे क्यों सर, क्योंकि इसका करेक्टर देंगे सर, आप करेक्टर सर ये गलत बात है सर। शॉपिंग मॉल, वेरी गुड एक्सीलेंट। अब देखो थाजियाओ थाजियाओ शेफेंग शेफेंग थाजियाओ शेफेंग जाए शंगदियन गोंगजो थाजियाओ शेफेंग जाए शंगदियन गोंगजो जाए शंगदियन गोंगजो थाजियाओ शेफेंग जाए शंगदियन गोंगजो। और तो झर झर का मतलब क्या है, हेयर हेयर। मेयो, रिमेंबर मैंने बताया था यो की नेगेटिव फॉर्म हमेशा मेयो होगी, बू यो नहीं होगी, मेयो याद है तुम्हें, तुम बोले थे बू और मे में क्या फर्क है सर, मेयो। यो की जब भी निगेशन आएगी वो मेयो। नन का मतलब क्या है, मोडल वर्ब है नन, नन का मतलब है कैन में, यानी माइट से यू कैन। एक मिनट सर, कैन तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता था, वो भी हम कैन में इस्तेमाल होए भी तो हम सर कैन में इस्तेमाल करते थे। Exactly. होए जब हम कैन में इस्तेमाल करते हैं ना होए वाला, तो उसका मतलब ये होता है पॉसिबिलिटी, चांसेस, मतलब ज्यादा 90% 80% चांस है, ठीक है, समथिंग यू नो यू कैन डू इट ना, तुम जानते हो, तुम पहले कर चुके हो और तुम कर सकते हो। बट नंग कब यूज होगा, नंग यूज होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, ठीक है, और मैं आऊंगा एक हफ्ते में, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है यार, काम बढ़ेगा तो मैं रुक जाऊंगा। सही है, जिस चीज में मुझे कंफर्मेशन ना हो वहाँ नंग यूज करूंगा, और हाँ। जो मेरा 100% चीज हो वहाँ मैं होए यूज करूंगा। जो जो का मतलब क्या है, टू सिट टू बी सिटेड। अब एक जो हमने पहले भी पढ़ा था, टू डू टू मेक टू प्रोड्यूस टू कुक टू कुक। हां तो जंबो सा है ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है, करैक्टर का फर्क है, करैक्टर देखो। सही है, अब इधर आ जाओ, हम ये पढ़ते हैं झर यो रनमा। झर का मतलब है हेयर या डियर, यो हेयर या जो मतलब हैव रन पीपल मा। अब देखो यहाँ पे इसका पूछने का मतलब ये है, पिक्चर की बता रही है कि भाई आर डियर या इज डियर समवन, बोलते ना यहाँ पे कोई है भाई, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, झर यो रनमा, यहाँ कोई है सर बैठा हुआ तो इसने इस्तेमाल नहीं किया हुआ ना। हाँ, तो जो जो सर अगर इसने ये अगर आप बोलेंगे क्योंकि कुर्सी दी हुई है तो बैठा हुआ के इस्तेमाल कर, झर यो रेन रेंजोमा ये नहीं इस्तेमाल होगा, झर यो रेंजोमा कि यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है। हाँ, exactly. इसने जो इस्तेमाल क्यों नहीं किया सर, यहाँ पे दो सामान नहीं किया, यही बताया क्यों नहीं किया, ठीक है। हमें ये देखना है झर यो रनमा, टेक्स्ट है ये, ठीक है, टेक्स्ट है ये। नहीं अगर सर मैं लिटरल झर यो रनमा का मतलब क्या, हियर इज समवन हियर, ये मतलब हुआ झर यो रनमा का, ये मतलब हुआ ना। हाँ। सर भी कुर्सी दी हुई है, दैट मींस कि देखो अब सुनो, तुमने क्या बोला, इज समवन हियर, हाँ ठीक है, इज समवन हियर के लिए हम बोलते हैं झर जाए रनमा, क्योंकि हेयर के लिए मतलब कोई यहाँ मौजूद है,
ठीक है, जाय लगता है जाय, जैसे हम खून पे चाइनीज में बात करते ना, वे नी हाओ थेदून थेदून जायमा इज देयर थेदून, ठीक है, इज देयर थेदून, क्या वहां पे थेदून है, बट यहाँ पे यो लग रहा है यो, ठीक है, यो का मतलब होता है इटसेल्फ, ठीक है, यानी पजेशन, सही है, है ना। अब देखो जाए इनोनेट या टेकन के लिए होता है, यानी जो जो है वो पोजेशन के लिए आएगा, यानी इस समय टेकन दिस, तो ये वहां पे इस सेंस में यूज हो रहा है, जो पोजेशन के लिए स्ट्रांग है योर एनिमा। बट अगर मैं ये बोल सकूं झरियो रेन जोमा तो कोई गलत बात है? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये भी बोल सकते हैं ना। हाँ, नेयो नो इट इज नो, नेयो का मतलब मना कर दियो, इट देयर इज नॉट, वो ना जो झरमा कैन यू सिट जितने भी गलत प्रोनाउन पढ़ोगे, जितनी भी गलत चीजें बताओगे, तुम्हारा फाइन लगेगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, ये फाइन लगेगा। और ये फाइन जो है सर, गलती भी सर मैं ही तो सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे वो को मैंने यू पढ़ लिया, बट आई नी यू होता है ना, वो तो आप पढ़ते निकल गए थे, मैंने पढ़ा है, आप पढ़ते हुए चले गए थे, मैंने आपको रोका है कि भाई क्या पढ़ रहे हो, यू कहाँ यू, फिर आप रुके, फिर आपने दिखा नहीं भाई वो का मतलब जो है आई है। खैर ये तुम्हारी अब तुम पे प्लेंटी लग चुकी है ऑलरेडी, छिंगो के बाद सर छिंगजो, छिंग का मतलब तो हमने सर पहले भी पढ़ा था, छिंग का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट प्लीज, छिंग छिंग वेन जिस एक्सक्यूज में बोलते थे हम, उसमें छिंग का मतलब था प्लीज। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सही बोला ना सर, छिंग का मतलब था प्लीज, प्लीज सिट, जो का मतलब है सिट, तो प्लीज सिट, सही है सर, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक काम करो जल्दी से, इसको रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहा सर, तो इतनी सारी चीजें थे उनको कैसे पता सर? नहीं बताइए अभी, चलो उसको पढ़ो जल्दी से, टाइम आ गया सर। ए वाला हमारा होगा सर, ये टेबल है ना सर, जोज जोज जोज, ए वाला हमारा है सर, सर सर पहला ये करना है ना चैप्टर 10 का, पिक्चर सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ 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 सर। फिर बी वाला हमारा है सर जो, थर्ड वाला बी है खांशु, खांशु 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 मीन्स टू रीड द बुक, सी है सर, सही है ना सर? हाँ मुझे नहीं आता तो पढ़ते हो सर। डीएन नाउ का मतलब है सर कंप्यूटर, नहीं डीएन नाउ, हाँ डीएन नाउ का मतलब है कंप्यूटर, तो सर डी आएगा। उसके बाद ई है सर बाबा ह, बाबा ख मामा, बाबा एंड मामा, तो वो ई है। और सर गोंगजो ऑफिस को कहते हैं, तो सर ये एफ है पहला वाला, और हुक्म कर रहे सर एफ सी बी ए डी और ई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपने ये करना है खुद से फिलाओ सर, एक मिनट रुक जा मैं करूंगा सर। पहला वाला है डैश यो डैश बेज बेजी यो झोज झोज यो बेजी कप, नहीं नहीं एक मिनट, कप इज ऑन द टेबल, इसको मैं क्या करूंगा बेज़े बेज़े, तो भाई पहले चेक कर देखो जाके क्या स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है दोनों, अभी तुम्हें रिपीट भी किया था मैंने सर, वो है ना सर समथिंग प्लस यू, एक मिनट निकालने दीजिए
निकालने दीजिए, सम प्लेस प्लस यो प्लस समथिंग, अभी नहीं बोलेगा सर, इसका पहले में आएगा सर जोजे यो, ये क्या पढ़ा जोजे ए, ए, सर जोजे सर सम प्लेस आएगा ना पहले, हाँ सम प्लेस पढ़ गया है, ये बोलो सर जोजे टेबल है, जोज ये पढ़ूंगा सर, जोज यो शांग बेजी ये पढ़ूंगा ना, हेलो जोजी शांग यो ईगा बेजी, ओके देर इज वन कप ऑन द टेबल, जोजे शांग यो ईगा बेजी सही है सर, डैश यो डैश हर डैश इसका पढ़ेंगे सर, ये भी यो है तो सम प्लेस आएगा ना पहले, जोजे शांग यो दियनाओ ख शू ख शू ये आएगा ना, एक ही बुक पढ़ी है ना सर, इसको मैं लिखूंगा सर, आप नहीं बोलिएगा सर अभी, जोजे शांग यो हेलो आवाज आ रही है सर, जोजे शांग यो दियनाओ एक ही बुक है, बहुत सारी बुक है, एक ही बुक है ना, ईग शू ये आएगा सर, ईग शू बैन ई बन शू सर, एक मिनट रुके सर, भाई आया सर, दरवाजा खोल के आ जाओ एक मिनट और, हाँ बाबा एक मिनट सबर, जी सर मैं पढ़ू, हेलो सर, जोजे शांग यो ईग ईग दियनाओ ख ई बांशू, एक मिनट लिखने दीजिए सर, जोजे शांग यो ईग दियनाओ ख ई बन शू, अच्छा दूसरा है वो नांग डैश मा सर, नांग का हमने मतलब यह पढ़ा था कैन वो कैन या मे ना, मे यू मे आई सिट, हाँ वो नांग जोमा ये आएगा सर, वो नांग झरमा सर, जो झर क्यों आएगा, वो मतलब होता है टू से, अच्छा कैन आई सिट हियर मे आई सिट हियर, जो झरमा वो नांग जो झरमा था शाय जाए डैश गोंगजो था जाए शांगदियान शांगदियान गोंगजो, हेलो हाँ ठीक है वेरी गुड एक्सीलेंट।
शांगियन गोंगजो। अच्छा सर ये करूं सर, सर एक मिनट अगर आप मुझे दे दो, ये जो पांच वो है उसकी ट्रांसलेशन लिखनी, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायलॉग। डीएनआ जायनार, इसका डीएनआ कंप्यूटर, वेयर नार है ना सर, ये वेयर इज द कंप्यूटर, एक मिनट रुक जाए सर, ये हमारा है सम प्ले समथिंग समथिंग जाय सम प्लेस। सर एक मिनट आप बोलिए, नहीं सर एक मिनट रुक जाए, हाँ सम प्लेस जाय समथिंग प्लेस समथिंग जाय सम प्लेस वेयर इज द कंप्यूटर, यही होगा सर। हेलो आंसर, मैं इसका आंसर दूं सर, डीएनआ जायनार, डीएनआ जाय अंडर बोलूं अबव बोलूं, आप बताएं। तुम्हारे कहाँ रखा है? अभी मेरा बिस्तर पे रखा है, बेड को हम क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते थे? नहीं सर नहीं घुमा रहा सर, मजाक के ना नहीं घुमा रहा, एक मिनट ना सर, बैट को छुआ दिएनाओ जाए छुआंग शंग Shoes INR, where is the book? इसका भी ये आएगा shoe zai chuang shang। पूरा बोलो, a new shoe, अच्छा a Chinese book, a new shoe zai chuang। मैं बताऊँ आपको तो एडिट कर सकते हो सर, चले अभी से वो हन्यूश जाए चुआंगशंग जोझ लीमियन यो शिन क्या पढ़ा है? जोझ जोझ अब पढ़ा है, तुम पहली दफा में हमेशा गलत पढ़ते हो। जोझ लीमियन यो शिन में सर आपने बताया सर, यो शर्मा सर आपने सर, अब रुक जाओ, अब एक काम करो, तुम्हारा होमवर्क है सर, एक मिनट ना सर, आपके साथ करने में लुत्फ ही अलग आता है, आप इतना मजे से पढ़ाते हैं कसम से, अकेले नहीं कर सकते सर। जोजे का मतलब है हमारा टेबल, लीमियन मतलब है अंडर, यो शिन में व्हाट इज अंडर द टेबल, एम आई राइट सर? इसका हम जवाब देंगे सर, मैं इसका जवाब दूंगा सर, मेरी चाइनीज की बुक पढ़ी है, इट इज माय चाइनीज बुक इज अंडर द टेबल, ये बोलूंगा सर, बोलूं ये सर, ये मैं आपको बोलूंगा सर, पहले सम प्लेस आएगा ना मेरा सर, पहले सम प्लेस आएगा मेरा, तो मैं बोलूंगा जोज सम प्लेस आएगा टेबल, जोज व्हाट इज अंडर द टेबल, जोज लीमियन हन्यू शू, जोज लीमियन हन्यू शू, ये आएगा सर, नहीं जोजे लीमियन वो हन्यू शू, माय चाइनीज बुक इज अंडर द टेबल, ये बोलूंगा सर, या वो जोजे
प्लेंटी लगने वाली है क्योंकि तुमने बोला खुद बोल मैं आपको तो प्लेंटी लगे एक में सर देखे सम प्लेस यो नहीं जोजे लिमियन यो यो हन्यूशु नहीं माय चाइनीज बुक इज अंडर द टेबल जोजे लिमियन वो जोजे लिमियन यो हन्यूशु ये आएगा सर हो गया फाइनल है तो पर सर सुने वो जोजे लिमियन यो हन्यूशु हाँ सर फाइनल है जोजे लिमियन यो गोदा इवन हन्यूशु अच्छा वो द आएगा इसमें वो द इवन हन्यूशु मेरी एक सर एक किताब तो मैंने बोला ही नहीं है ना अब बस आप बुक पढ़ी है चाइनीज की इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है देखो जोजे लिमियन ठीक है यो ये स्ट्रक्चर हो गया जोजे लिमियन यो अब तुमने बोले कि मेरी बुक ठीक है मेरी बुक के लिए क्या रहेगा वो द माई हन्यूशु इवन हन्यूशु ठीक है एक किताब इवन हन्यूशु आ चाइनीज बुक ठीक है आ चाइनीज बुक आ चाइनीज बुक सर मगर मैंने भी मेरा मेरा अंदाज से सही तो बोला ना सर जोजे लिमियन यो वो हन्यूशु पहले मैं यो वो बोल रहा था मगर वो द आएगा वो अभी मैं मुझे समझ आ गया कि माइन के लिए हम वो द इस्तेमाल करेंगे कि माइन पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ पढ़ा सर पढ़ा हुआ मैं कहा मैंने नागा रन शी वांग फांग रन का मतलब है पीपल शी का मतलब है ये नागा रन शी इसका इसको मैं क्या पढ़ूंगा सर नहीं वेर इसमें आएगा नहीं रन शी वांग फांग नागा ये ना आगा ना योर वांग फांग सर ये तो कंटिन्यूएशन वाला सवाल है ना नागा रेंशी वांग फांग which person is हम शी इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इज वांग फांग मैं इसका जवाब दूंगा मैं पहले आपको इंग्लिश में बताता हूँ द पर्सन इन द फ्रंट इज वांग फांग सही है द पर्सन इन द फ्रंट इज वांग फांग अभी सर रुक जाएगी द पर्सन इन द फ्रंट इज वांग फांग अभी इसको मैं किस तरह पढ़ूंगा इसको पहले शियाओमियान शियाओमियान क्या पढ़ लो द पर्सन इन द फ्रंट इज वांग फांग शियाओमियान शियान क्यू आई एन सॉरी की तरह एक ही है सर शियाओमियान एक बात बता सॉरी की तरह कमेंट करो ना सॉरी सर आप बताएं क्या सर है हुकुम करें हाँ इसको मैं क्या करूंगा द पर्सन इन द फ्रंट इज वांग फांग चियानमियन एक मिनट रुक जाए चियानमियन रनशी वांग फांग यही पढ़ूंगा ना चियानमियन रन द पर्सन एक मिनट इन इनके लिए हमका इनके लिए भी हम शी इस्तेमाल करते हैं इज इन सबके लिए शी इस्तेमाल करते थे द चियानमियन रन शी
वांग फांग ये इस्तेमाल होगा ना सर? एग्जैक्टली डांशी वांग फांग तो उसका नागर अंशी शिये फैंग मतलब इसको हम आफ्टर के इस्तेमाल कर लेते हो मियन बैक हाँ ओ आफ्टर नहीं सर मतलब बैक ओमियन ओमियन रंशी शिये फैंग शिये फांग वो जाओ यो सान सान खोरन वेरी गुड एक्सीलेंट वो माय ई ई वो माय ई ई वो माय एक मिनट सर आपने बताएगा ईगर बेजी सर ईगर बेजी आएगा ना एक मिनट आपने बताएगा मुझे नहीं आता मुझे नहीं हाँ ईगर बेजी वो यो वू वो हानियोशु वो यू वू बेन हानियोशु ईज़ बाशी ख्वाई चियन अब ये क्योंकि हमने पढ़ा था चियन हमेशा मनी में इस्तेमाल होगा और ख्वाई या यूएन हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या बात है सर बहुत बहुत शुक्रिया एहुम लाशी शिया शिया नहीं भूखा ची सर अभी ओके डन है यहाँ तक तो डन है ओके आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे जल्दी से ये आगे क्या सो जोज हंज हंज ये किस पे आप ये एक नंबर देखो 76 एंड 76 एंड ये तो जोजे लिखा हुआ है जोजे तो ये हो गया ना उसके बाद पढ़ दे ये वाला पढ़ अच्छा हंज हंज क्या है प्लेट 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 ये प्लेट है हंज इज इज हमने पढ़ा था टेबल इज हमने पढ़ा हुआ है चेयर हाँ हाँ चेयर चेयर की तो बात कर रहा हूँ टेबल बोल रहे थे नहीं सर ये इज़ हमने चेयर पर जोज हमारा टेबल है ये रिकॉर्ड हो रही है इसमें सब आ रहा होगा पता है जो तुम बोल रहे हो ना पहले कर रहे थे फिर राइट कर रहे हो चूज चू कुछ क्या पढ़ेंगे सर खू खू खूज खू खू खूज खूज खांज मुझे लगा तुम्हें उर्दू में पढ़ानी पड़ेगी खूज खूज पैंट है खूज पैंट खूज हम इसको पढ़ेंगे पैंट इज अंडर द टेबल तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा पैंट इज अंडर द टेबल को खूज खूज अब तो मैं इसको बनाओगे दो चीजों में एक दाए वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे और एक यो वाला एक मिनट रुक सर मैं थोड़ा लैपटॉप सही कर लूँ चार्जिंग में लगा लूँ फिर करते हैं एक मिनट रुक जाए हाँ अभी बताया सर क्या करना है पहले बोल रहा हूँ कि पहले तुम योगा पहले जायका स्ट्रक्चर बनाओ फिर योगा स्ट्रक्चर बनाओ इसमें ही बनाओ इसमें ही बनाओ पहले स्ट्रक्चर देख लो और फिर बनाओ सर का पैंट को लेके या किसको लेके पैंट और ये प्लेट है दोनों में कोई एक चीज चूज कर लो चले सर पैंट इस्तेमाल करते हैं पहले यो का इस्तेमाल करते हैं सम प्लेस प्लस यो प्लस समथिंग इसको मैं पढ़ूंगा झोज झोज यो झोज लो यो लीमियन लीमियन खोज यही होगा सर झोज झोज यो लीमियन अंडर को ली कहते हैं ना सर सही तो कह रहा हूँ सर जो लीमियन तो सर लीमियन ही तो बोला मैंने जोज लीमियन बोल रहे जो लीमियन
जोसे लिमियन यो खोजे ऐसा बड़ी तो ये होगा सर, ईगा खोजे एक पॉइंट। अगर हम सर ऐसे करेंगे कि ऑन द चेयर, इट इज माय पैंट इज ऑन द चेयर, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा सर? इज़ ऑन द चेयर को हम क्या पढ़ते थे सर? शांग मियन ईगा खोजे माय पैंट इज ऑन द चेयर, ऐसा इज शनमियन यो ईगा खोजे राइट। अभी सर दूसरे वाले स्ट्रक्चर लोग लेके बनाते हैं, समथिंग जाए सम प्लेस, सही है? अभी पैंट को लेके बना या प्लेट को लेके बना, आप बताइए। प्लेट को लेके बनाते हैं, फांज। अब पहले हम सेंटेंस सोचे ना, प्लेट इज ऑन द टेबल, राइट सर? हेलो, प्लेट इज ऑन द टेबल ना, फंज सर आप नहीं बोलेगा, रुके, फंज ऑन द को क्या बोलते थे? ऑन द को शंगमियन ही आएगा ना, फंज शंगमियन जाए ईगा, नहीं एक मिनट ना सर, आप ये दोनों स्ट्रक्चर पहले अच्छी तरह देख लो, ठीक है? आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो मुझे अंदाजा है, और मुझे जो जितना आप बता रहे हो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो बहुत। इन दोनों स्ट्रक्चर को अच्छी तरह पढ़ो, फिर इसके सेंटेंस बनाओ और वो लिखो, ठीक है? और वो लिख के मुझे भेजो। गलत लिखा है, प्लेट इज ऑन द टेबल, तो जाए इस्तेमाल कर रहे हो, जाए इस्तेमाल कर रहे हो, जाए इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, फंजे शंगमियन जाए, ठीक है? अब सुनो, फंजे शंगमियन तुमने यूज किया, हाँ, क्या यूज कर रहे हो यार? सर प्लेट इज ऑन द टेबल ना, तो फंजे जाए शंगमियन जोजे, अरे भाई समथिंग, मैं तुम प्लस जाए प्लस सम प्लेस, मेरी बात सुन लो जी, मेरी बात सुन लो, सुनोगे? जी, है ना? इधर देखो, ये मजाक नहीं है, ये चाइनीज है, ठीक है? देख दना दन तुक्के लग रहे हैं सेंटेंस में, ऐसे नहीं होती है भाई। मैंने आपको यही कहा है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पढ़ो पहले, दिमाग में बिठाओ, फिर फायरिंग करो तो अच्छा रहेगा। फायरिंग करने से पहले भी हम निशाना ताकते हैं, ठीक है? तो बेहतर यही है, पहले आप स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दोनों बताए, आप दोनों स्ट्रक्चरों में ऊपर उठाओ। ये सिंपल जाए वाला स्ट्रक्चर है, मैंने क्या बोला भाई, आपने पुट करना है क्या? समथिंग, समथिंग क्या है? समथिंग फंज प्लेट, प्लेट है ना, प्लेट, प्लेट है, फंज, फंजी हो गया समथिंग, हाँ, फिर आ गया जाए, जाए, फिर क्या आ गई? सम प्लेस, सम, सम प्लेस में क्या है? टेबल के ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर है, तो टेबल है, पहले टेबल है ना, जोजिशन। अब तुम पता नहीं क्या क्या बोल रहे, फंज शंगमियन जाए, पता नहीं क्या, फंज जाए जोजे शंगमियन, सर यार आप मेरी मजाक बताओ, ठीक है? नहीं तो तुम खुद ही मौका दे दो ना, मतलब तुम्हें यही बोला है ऐसा के बंदे, पहले पढ़ लो स्ट्रक्चर। ये वो नहीं है, आपने पोयम पढ़ ली, टीचर ने पोयम पढ़ा दी, आप भी पढ़ ले भाई, हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आओ ये पढ़ जो पोयम है, हम ये पढ़ना शुरू हो गए भाई। ये लैंग्वेज है जो हम जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो जो बताया जाए, जो डायरेक्शन दी जाए, उसको फॉलो करो,
हमें चाइनीज पढ़ते हुए अपनी इंग्लिश साइड में रखनी पड़ेगी। अगर हम चाइनीज में इंग्लिश को मिलाते रहे ना तो हम जिंदगी भर चाइनीज ही सीख सकें। सही कह, ठीक है, ये एक ही पॉइंट है। आपने अगर इंग्लिश रखी चाइनीज के अंदर तो आपकी चाइनीज गई। सही कह, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो ठीक है, अपनी करोगे तो फिर अपनी करोगे तुम। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है तुम्हें दोनों स्ट्रक्चर लिखाए हैं, तुमने स्ट्रक्चर मिस कर दी, ये अजीब बात है। ये रहे ना, अभी अभी मैं समझ गया, अभी मेरी बात सुने सर, जाए वाला इस्तेमाल नहीं, मैं नहीं सुन रहा, मैं भी नहीं सुन रहा। आप बनाओ सही है सेंटेंस, बनाओ दोनों सेंटेंस, बनाओ दोनों पैटर्न के, और आप हर चीज दे लो अपने पास। आपके पास शो भी आओ है, शो जी है, ठीक है, बुक है, क्या है दी एन नाव है, और क्या है आपने और भी चीजें पढ़ी हुई है पीछे, सब चीजें पढ़ी हैं। आप एक पेज पर सेंटेंस बना दो, पहले योगा बनाओ जायका बनाओ, योगा बनाओ जायका बनाओ, योगा बनाओ जायका बनाओ, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, करो इसको करो बस। अभी आपके सामने करो, नहीं 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 बस आज तो इतना रखते हैं, क्लास फिर मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सही है सर, सही है। अल्लाह हाफिज़ दाई जी, इसको रिवाइज कर लेना भाई, अपनी चीज़ें ग्रिप में करो, अल्फाज वोकैब्स वर्ड्स ग्रिप में होंगे तो कुछ होगा, आगे बढ़ना नहीं होगा, ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।